Hello everyone, I am Trupti and I welcome to all in my channel NPC Neva Physics Classes. So बच्चे आप सभी को ये तो पता है कि इस चैनल पर आपको क्लास 9th, 10th, 11th as well as 12th के फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं एंड इनिशियली अभी आपको हम NCERT का फुल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं बट इन फ्यूचर देर विल बी लॉट्स ऑफ सरप्राइज फॉर यू ऑल गाइज. ठीक है, सो स्टे ट्यून विद NPC. यस बच्चा, आज से हम क्लास 11th का चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर रहे हैं. लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड, क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड कंप्लीट कर लिया है. एंड यस, एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट सभी क्लियर हो जाएं उसके बाद मैं NCERT के सभी चैप्टर्स के वन शॉट वीडियो बनाऊंगी एंड आफ्टर दैट NCERT के फुल एक्सरसाइज हम लोग करेंगे. ठीक है, इस बीच जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे वो मैं करवाऊंगी बट इनिशियली हम सभी कॉन्सेप्ट को सीखते हैं एंड उन पे बेसिस कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. ठीक है, फुल एक्सरसाइज हम वन शॉट वीडियो के साथ लेकर आएंगे. ओके, क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3. एंड यस, बिफोर आई स्टार्ट माय क्लास वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि सभी लेक्चर्स के नोट्स आपको टेलीग्राम लिंक NPC मेरा एक चैनल है उस पर उस चैनल पर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. जो भी लेक्चर्स अपलोड होंगे उसके नोट्स तुरंत वहां उस चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे. सो यू गेट दैट नोट्स ऑन दिस चैनल. ओके, सो लेट्स बिगिन अवर क्लास चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो लेक्चर आर इंट्रोडक्शन एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो फर्स्ट we are talking about the introduction. Okay, so chapter 3 motion in a straight line actually aata hai kinematics mein. Theek hai, ye kis mein aata hai? Kinematics mein. Kinematics is the branch of physics. Kinematics kya hai? Physics ki ek branch hai jo ki deal karti hai motion se. ठीक है, जो कि डील करती है मोशन से बट विदाउट एनी कॉजेस ऑफ मोशन. ओके, सो डेफिनेशन, काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? होगी इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी ways to describe the motion without any causes of motion. ठीक है, मीन्स काइनामेटिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है, जैसे साइंस की ब्रांच फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इसी तरह से काइनामेटिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, मोशन के कॉजेज के बारे में स्टडी नहीं करेंगे. ठीक है, मोशन किस कारण से हो रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में. हम क्या स्टडी करेंगे? ओनली मोशन. ठीक है, काइनामेटिक्स में हम ओनली मोशन स्टडी करेंगे. एंड एक्चुअली काइनामेटिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड. ठीक है, ये जो वर्ड है काइनामेटिक्स, ये टू वर्ड से मिलके बना होता है. फर्स्ट वन इज काइन. ठीक है, काइन का मतलब होता है मोशन. ओके, एंड सेकेंड वन इज मैटिक्स. मैटिक्स मीन्स मैथमेटिक्स. ठीक है, ये मैथ्स से रिलेट करता है. मीन्स काइनामेटिक्स को आप इस तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि काइनामेटिक्स में आप मोशन की स्टडी करेंगे एंड डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल, मैथमेटिक्स के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स जो कि मोशन में यूज होते हैं उन सभी को स्टडी करना है. ठीक है, अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? ठीक है, मैंने क्या बोला अभी, ये जो काइनामेटिक्स हैं ये टू वर्ड से मिलकर बना होता है और इन दोनों के बेसिस पे हमने बोला कि जो मैथमेटिक्स वेरिएबल्स हैं जो कि
हेल्प करते हैं मोशन में या जो रिलेट करते हैं मोशन को, उन वेरिएबल्स में आते हैं। फर्स्ट है आपका डिस्टेंस, ठीक है। वो वेरिएबल कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज डिस्टेंस, सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट, थर्ड वन इज स्पीड, ओके। नेक्स्ट वेलोसिटी, नेक्स्ट एक्सेलरेशन, ओके। सो ये डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जो कि हमें चैप्टर 3 में स्टडी करना है, किसमें? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में स्टडी करना है, ओके। अब इन वेरिएबल्स को स्टडी करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट थिंग, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे चैप्टर 3 का फर्स्ट वर्ड है, मोशन, ठीक है। मोशन क्या होता है? हमारा जो चैप्टर है उसका नेम सजेस्ट किया हुआ है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो पहले हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ठीक है, उसमें मोशन क्या होता है, उस बात को समझते हैं। उसके बाद में हम चैप्टर 3 के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स जो कि आपको कवर करने हैं वो स्टार्ट करेंगे, ओके। और आज के वीडियो लेक्चर में हम ओनली 2 वेरिएबल्स, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की ही बात करेंगे। नेक्स्ट वेरिएबल हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा, क्लियर। चलिए मोशन क्या होता है, ओके। तो सिंपली अगर आप बात करें मोशन में, तो अगर आप चल रहे हैं, ठीक है, आप रनिंग कर रहे हैं या फिर आप साइकिलिंग कर रहे हैं, तो इसे आप कहेंगे मोशन। बट इन फिजिक्स लैंग्वेज, ठीक है, फिजिक्स की लैंग्वेज में ये सब चीज़ें मोशन नहीं कहलाती हैं, ठीक है। फिजिक्स की लैंग्वेज में मोशन क्या है? तो फिजिक्स की लैंग्वेज में मोशन ये है कि चेंज इन पोजिशन, ठीक है। मोशन इज अ चेंज, मोशन इज अ चेंज इन पोजिशन विथ टाइम, ठीक है, पोजिशन विथ टाइम, टाइम के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन में चेंज होना ही मोशन है, ठीक है। मीन सपोज आपने एक पॉइंट कंसिडर किया ए एंड नेक्स्ट अदर पॉइंट बी कंसिडर किया, ठीक है। पॉइंट ए का पोजिशन एक्स वन हम सपोज कर लेते हैं और पॉइंट बी का पोजिशन हम एक्स टू सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इनिशियली आप पॉइंट ए पर खड़े हैं एंड आफ्टर सम टाइम आप पॉइंट ए से बी तक मोशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ इनिशियली आपका टाइम टी वन है, बट सम टाइम के बाद में पोजिशन चेंज हुई, ए से बी आप गए, तो कुछ टाइम तो लगेगा, कुछ ना कुछ आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कुछ ना कुछ आप टाइम तो लेंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और आप ए से बी तक चले जाएंगे, ठीक है। 1 सेकेंड 2 सेकेंड जितना भी टाइम लगे, बट पोजिशन टाइम के साथ वेरी करती है, ठीक है। तो सेकेंड हमारा, हम ए से बी तक गए और हमारा जो टाइम है सेकेंड पॉइंट तक पहुँचने का टी टू है। तो ये जो वेरिएबल्स हैं मोशन इन अ चेंज पोजिशन विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन। अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है वन डायमेंशन में। आप जैसे स्ट्रेट ट्रैवल कर रहे हैं, स्ट्रेट रनिंग कर रहे हैं, स्ट्रेट वॉकिंग कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, या लीनियर मोशन भी कहते हैं आपको, ठीक है, लीनियर मोशन भी कहते हैं इसे। और समटाइम्स इसे 1D भी कहा जाता है, वन डायमेंशन। 1D का मतलब होता है वन डायमेंशन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन जहाँ भी आपको दिखे तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन मोशन को क्या क्या कहेंगे। रेक्टिलिनियर मोशन भी होता है, लीनियर मोशन भी होता है, वन डायमेंशन भी होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, ये एक्सेस, 3 एक्सेस होते हैं 3 डायमेंशंस के। तो यहाँ आपको ओनली 1 डायमेंशन पढ़ना है, मीन्स ओनली 1 एक्सेस के अलोंग जो भी आपका मोशन होगा वो होगा, ठीक है, ओनली 1 एक्सेस कंसिडर होगा,
ओके या तो एक्स होगा या वाई होगा या जेड होगा, बट जनरली मोस्ट ऑफ द केस में हम 1D मोशन के लिए एक्स एक्सिस कंसिडर करते हैं, ठीक है। मीन्स एक्स एक्सिस ओनली वन एक्सिस, ठीक है, ओनली एक्स एक्सिस है तो वहाँ कौन सा डायमेंशन होगा या कौन सा मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, 1D एक्स एक्सिस के लिए, क्लियर है ये सारी चीज़ें। ये हुआ हमारा मोशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अब हम चलते हैं डिस्टेंस पर, हमारे वेरिएबल्स जो हम हमारा मेन इंटेंशन है डिस्टेंस, ठीक है। फर्स्ट वन इज डिस्टेंस। डिस्टेंस को आप पाथ लेंथ भी कहते हैं। डिस्टेंस को क्या कहते हैं? पाथ लेंथ। ओके, कहीं कहीं पर पाथ लेंथ भी लिखा जाता है तो वो भी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन ये कहती है कि टोटल डिस्टेंस या टोटल पाथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल, ठीक है, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू हम डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ओके, देखिए हमने एक एग्जांपल लिया, ये हमारा पॉइंट है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ठीक है, हम रेस्ट पर है इस पॉइंट पर, तो ये ओरिजिन हो गया, ठीक है, इनिशियल पोजीशन हमारा जहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये इनिशियल पोजीशन से हम एक्स एक्सिस में, प्लस एक्स एक्सिस में गए एंड माइनस एक्स एक्सिस में गए, ठीक है। मीन्स राइट साइड में पॉजिटिव डिस्टेंस एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव डिस्टेंस। ओके, अब ओ से हमने डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस ले लिया, ठीक है, यहाँ से हम सपोज करते हैं 20, ये मीटर में होगा आपका, ठीक है, 20, 40, 20 का डिफरेंस रखा है 40, फिर 80, 100, 120, ठीक है। एंड सिमिलरली इस डायरेक्शन में नेगेटिव डिस्टेंस हो जाएगा 40, ठीक है, माइनस 60, यहाँ बीच में 60 लिख दीजिए, ठीक है, एंड माइनस 80, 20 का डिफरेंस है सभी जगह। अब हमने 120 पर पॉइंट पी कंसीडर कर लिया, एक पॉइंट पी है वो कंसीडर कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर इस प्लेस पे हम पॉइंट क्यू कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ कहीं हम माइनस 80 पर आर कंसीडर कर लेते हैं, आर पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब एक कार है जो कि पॉइंट ओ से चलना स्टार्ट करती है, ओ क्या है हमारा इनिशियल पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर बात करें तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको पूरा डिस्क्राइब करेंगे, बट अभी हम जिस पॉइंट से ऑब्जर्व करते हैं उसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ओ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, या पॉइंट ओ से हमने चलना स्टार्ट किया, एक कार है जो कि पॉइंट ओ से चलती है, ठीक है, स्टार्ट किया, पॉइंट पी तक जाती है एंड पी के बाद वो टर्न लेके फिर क्यू पॉइंट तक आती है। तो इस टोटल जर्नी में कहाँ से स्टार्ट किया, ओ से स्टार्ट किया, ठीक है, पी तक गए एंड पी से अगेन टर्न लिया एंड क्यू पर गए, तो इस टोटल जर्नी में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आपको बताना है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, टोटल डिस्टेंस ओ टू पी, ठीक है, जितना ओ टू पी चले आप एंड पी टू क्यू, सो पी टू क्यू दोनों डिस्टेंसेस एड होगी तभी आप टोटल डिस्टेंस दे पाएंगे, ठीक है, टोटल डिस्टेंस दे पाएंगे। सो ओ पी का डिस्टेंस क्या हो गया, 120 मीटर, ठीक है, एंड यहाँ से पी टू क्यू, यहाँ 20 का डिफरेंस है और इधर 20 का, सो 20 20 40, सो यहाँ पर पी क्यू 40, और ये डिस्टेंस जो है वो मीटर में लिया है हमने, तो मीटर यूनिट ले लें, ठीक है, 120 प्लस 40 160 मीटर। सो यहाँ इस केस में हमारा जो डिस्टेंस है वो आया आपका 160 मीटर, ठीक है, मीन्स ओ से पी तक चले एंड पी से अगेन टर्न लेके आप क्यू तक चले, तो
आपका जो ओवरऑल जर्नी है उसका डिस्टेंस आपने 160 मीटर कवर किया, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अब बात करें पॉइंट आर की, ठीक है, आर पॉइंट, ओ से आप आर तक गए, देन डिस्टेंस क्या होगा, देन डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर आप ओ टू पी एंड पी टू क्यों गए, बट ओ टू आर, ओ से अगर आप आर तक जाते हैं तब डिस्टेंस क्या होगा, सो डिस्टेंस आपका हो जाएगा कितना, 80, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि प्लस होगा या माइनस, ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा प्लस होता है, डिस्टेंस हमेशा प्लस होता है, ठीक है, सभी केसेस में डिस्टेंस आपका प्लस होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है, डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, डिस्टेंस की ओनली वैल्यूज होती हैं, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है, सो डायरेक्शन नहीं होती है, इसीलिए हम इसे प्लस माइनस कुछ भी कंसिडर नहीं करना है, ओनली डिस्टेंस है तो पॉजिटिव में ही आप लेंगे, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होती है। और फिजिक्स में ऐसे वेरिएबल को, ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट को जिसमें मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होता है, उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। इन स्केलर क्वांटिटी देयर इज मैग्नीट्यूड, ठीक है, नॉट द डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। सो डिस्टेंस में आपका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, तो ये कौन सी क्वांटिटी हुई आपकी, स्केलर क्वांटिटी। एंड डिस्टेंस जो है वो पाथ पर डिपेंड करती है, ठीक है, एंड डिपेंड ऑन पाथ, डिपेंड्स ऑन द पाथ। तो ये डिस्टेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं कि डिस्टेंस जो है वो पाथ पर डिपेंड करती है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, सो इसे हमेशा आप पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ये ना तो नेगेटिव हो सकती है और ना ही जीरो हो सकती है, ठीक है, ये एग्जाम्पल आगे हम और लेंगे, ना तो पॉजिटिव हो सकती है ना ही नेगेटिव हो सकती है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। चलिए अब हमारा नेक्स्ट वेरिएबल है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ समझते हैं क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस है बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओके, एंड इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन, ठीक है, इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन पर डिपेंड करता है, कौन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट की एक और डेफिनेशन ये हो जाएगी कि इट इज द डिफरेंस, इट इज द डिफरेंस फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हो गई। डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिफरेंस है एक इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन का, और डिस्प्लेसमेंट को जनरली हम डेल एक्स से डिनोट करते हैं, डेल का मतलब होता है डेल्टा, और ये डिफरेंस को डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है, डिफरेंस को, ठीक है। सपोज आपके पास एक पॉइंट है ए और इसकी पोजिशन है आपका एक्स वन, ठीक है, अनदर पॉइंट है बी, उसकी पोजिशन है एक्स टू, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर आप ए टू बी गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, ठीक है, सो फाइनल पोजिशन क्या है यहाँ पर, एक्स टू एंड इनिशियल एक्स वन, सो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ओके, एंड इफ
x2 इज ग्रेटर देन x1, अगर x2 ग्रेटर है तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, डेल x जो है वो पॉजिटिव होगा. बट इफ x2 इज लेस देन x1 देन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव. ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव एंड इट मे बी नेगेटिव. पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है. ठीक है, डायरेक्शन है इसी का मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव. यहाँ पर हम 1D की बात कर रहे हैं, तो 1D में जो डायरेक्शन है, ठीक है, जो डायरेक्शंस हैं वो ओनली टू डायरेक्शंस होती है, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. 1D वन डायमेंशन में ओनली टू डायरेक्शंस होती है. ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट में भी ओनली टू डायरेक्शंस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. मीन्स पॉजिटिव को आप फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. ओके, एंड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड भी होती है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. तो ये टू डायरेक्शंस होती हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करती है. तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी है. मैग्नीट्यूड जो वैल्यूज हैं आपकी, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस भी हैं. तो दोनों फिजिक्स में अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस दोनों क्वांटिटीज हैं, देन आप इसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, क्या बोलेंगे आप, वेक्टर क्वांटिटी. इन वेक्टर क्वांटिटी देयर विल बी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होंगे. ओके, वेक्टर क्वांटिटी. चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. देखिए, आपकी कार ओ से स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट, एंड देन ओ टू पी गई एंड पी से अगेन पॉइंट क्यू पर आई. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ओ टू क्यू कितना हुआ. ठीक है, आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम O टू Q इन दिस क्वेश्चन. ओके, देन आपने O टू P, P टू Q गए, बट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में तो आपको इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ही लेना है. सो इनिशियल पॉइंट आपका O, मतलब जीरो से स्टार्ट किया, एंड फाइनल पॉइंट आपका 80, ठीक है, Q पर 80 मीटर है. सो 80 माइनस जीरो, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल. सो 80 माइनस जीरो मीटर इज योर डिस्प्लेसमेंट. सो 80 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो इस तरह से हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इस क्वेश्चन के थ्रू फाइंड आउट किया. अब नाउ रिलेशन क्या होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में, वो देखते हैं. ओके, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके, डिस्टेंस and displacement. So suppose आपने एक point लिया A, ठीक है, ये आपका एक point A है and this is the second point. आप A से B तक जाना चाहते हैं और आपके पास ये different different ways हैं जाने के. ठीक है, ये first रास्ता है आपका and this is the second way एंड दिस वन द अनदर वे. ओके, सेकेंड एंड थर्ड सपोज कर लेते हैं. तो ये आपके पास तीन रास्ते हैं पॉइंट ए से बी तक जाने के. ठीक है, इसमें आप बता सकते हैं आपका डिस्टेंस क्या होगा. ठीक है, सो डिस्टेंस आपका क्या होगा, वे फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही डिस्टेंस होंगे. ठीक है, तीनों ही क्या होंगे, डिस्टेंस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. बट ठीक है, इस क्वेश्चन में आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए, जो सेकेंड वे है, दिस इज द शॉर्टेस्ट वे. ठीक है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट कहलाती है. ठीक है, तो यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट इज द सेकेंड वे. ठीक
ठीक है। सेकंड जो आपका रास्ता है वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, मीन्स ए टू बी जाने के ये काफ़ी सारे रास्ते आपने बना डाले, बट जो मिनिमम वे है, मिनिमम पाथ है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट वे एंड थर्ड वे, दिस इज द ग्रेटर देन सेकेंड, ठीक है। मीन्स इससे ये आपको पता चलता है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मीन्स फर्स्ट वाला जो रास्ता और सेकेंड वाला रास्ता, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड वाला रास्ता जो है वो सेकेंड से आप कंपेयर करें तो ये ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, ये डिस्टेंस आपने ज़्यादा किया है, ठीक है। एंड ये जो थर्ड वाला डिस्टेंस है ये भी आपने ज़्यादा कवर किया है एज कम्पेयर टू सेकेंड वे, ठीक है। सो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट एंड थर्ड, बट एक केस में जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सेकेंड के केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएंगे, जब डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ सेकेंड वे या सेकेंड कंडीशन भी ये अप्लाई होगी कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकते हैं, और ये कब होगा, किस कंडीशन में होगा, जब डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट वे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेगी, शॉर्टेस्ट पाथ कवर करेगी, तब आपका मिनिमम पाथ होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो रिलेशन है, मीन्स डिस्टेंस क्या हो सकती है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, ओके। इस तरह से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, ओके। नाउ एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो सकता है बट डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं हम एक सर्कल का, ठीक है। एक सर्कल लिया आपने, आप पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया आपने और इससे पूरा कवर करके पॉइंट ए पर अगेन वापस आ गए, ठीक है। तो आपने इस केस में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस आपने फुल सर्कल ट्रेवल किया, मीन्स सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, ठीक है, 2πr, अगर r का रेडियस है, ठीक है, r इस सर्कल का रेडियस है, तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू, फ्रॉम ए कितना होगा, 2πr। बट इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट, और फाइनल पॉइंट भी आपका सेम है और इनिशियल पॉइंट भी सेम है, देन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ, ज़ीरो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, ज़ीरो, ठीक है। तो इस केस से आपको ये पता चलता है कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है बट डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्लियर, ओके ओके। अब हम कुछ ग्राफ्स प्लॉट करना सीखेंगे मोशन के बारे में, ठीक है। मोशन क्या होता है, हमने इनिशियली कहा था कि मोशन इज द चेंज इन पोजीशन विथ टाइम, मीन्स पोजीशन एंड टाइम के बीच में जो ग्राफ प्लॉट होगा दैट इज कॉल्ड द मोशन, ठीक है। सो आपके पास से कंडीशन ये है कि आप कार से ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, कार से ट्रैवल कर रहे हैं, इनिशियली कार ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया एंड कार वहाँ जाके स्टेशनरी हो गई, रेस्ट पे हो गई, ठीक है। अब इस कंडीशन को आप ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी ये हुई, इस तरह से हमने मोशन का मीन्स पोजीशन और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट कर लिया, ठीक है। ये टाइम एक्स एक्सिस टाइम के लिए सेकेंड, ठीक है, एंड दिस इज द पोजीशन मीन्स डिस्टेंस, ठीक है, ये मीटर में हुई आपका। अब यहाँ पर आपका रेफरेंस पॉइंट है मीन्स सेंटर पॉइंट है, यहाँ टाइमिंग 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, इस तरह से आपने टाइमिंग के डिविजन्स ले लिए, यहाँ डिस्टेंस ले लिया 10 मीटर, 20 मीटर, ठीक है, 30 मीटर, 40 मीटर, इस तरह से। तो इनिशियली कार ने सपोज आप 20 मीटर तक गए कार से, ठीक है, अब वहाँ पर जाके कार को आपने खड़ा कर दिया रेस्ट पर कार, ठीक है। अब इस टाइम कार ट्रैवल नहीं कर रही, तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे उस कंडीशन में, तो ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन प्लॉट होगा, ठीक है,
ग्राफ का क्या फीचर्स होंगे? फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन होगा, ओके, एंड सेकेंड वन इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा उस कंडीशन में, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ओके। अब हमारे पास सेकेंड कंडीशन ये है कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे कार, देन आप ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका ग्राफ जो है वो इस तरह से प्लॉट करेंगे आप, ठीक है। पहले आप टाइम एंड पोजीशन जो है, मतलब डिस्टेंस के बारे में एक्स एंड वाई ग्राफ ले लें, ठीक है। अब डिविजन्स ले लें, यहाँ आपका इनिशियल पॉइंट है, मीन्स ये रेफरेंस पॉइंट है, सेंटर पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। 10, 20, 30, 40 एंड 50 ले लिया, ठीक है। अगेन यहाँ पर आपने 20, 40, अब 20 का गैप ले लिया, ठीक है, 40, 60, 80, 100, इस तरह से आपने डिविजन्स ले लिए। अब आपने देखा कि कार 10 सेकेंड में, ठीक है, इनिशियली कार ने स्टार्ट किया एंड कार 10 सेकेंड में 20 मीटर क्या करती है, ट्रैवल करती है, ठीक है। नेक्स्ट 10 सेकेंड में, मीन्स 20 और 10 का जो डिफरेंस है वो 10 सेकेंड, ठीक है। तो ये जो 10 सेकेंड है इसमें अगेन 20 मीटर ट्रैवल करती है, सो यहाँ पर 40 और 20 का जो डिफरेंस है वो 20 होगा, ठीक है। मीन्स सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना, ठीक है। यहाँ 30 सेकेंड पे यहाँ 60 मीटर ट्रेवल किया, 40 में 80 एंड 50 में 100, तो इस तरह से सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कार। तो उस कंडीशन में आप ग्राफ इस तरह से प्लॉट करेंगे और ये ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ग्राफ आपका कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन आपके पास ये आई कि इनिशियली कार ने स्टार्ट किया चलना, बट धीरे धीरे स्पीड अप हुई, धीरे धीरे उसकी स्पीड में थोड़ा चेंज आया, फास्ट हुई, ठीक है। तो आपका ये टाइम एक्सिस है एंड दिस इज द डिस्टेंस एक्सिस या पोजीशन एक्सिस, यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर एंड 50 मीटर, ओके। इनिशियली कार क्या थी, रेस्ट पे थी, धीरे धीरे स्पीड आगे हुई, 20 सेकेंड में सपोज किया कि स्पीड अप हुआ एंड कॉन्स्टेंट स्पीड से ट्रैवल किया एंड देन कार स्टॉप हो गई, तो कार स्टॉप हो गई तो इस तरह से आपका ग्राफ प्लॉट हुआ, ओके। तो इनिशियली जो ग्राफ आपका मिलेगा वो जीरो एक्सिस पे या टाइम के जो एक्सिस के अलोंग मिलेगा, ठीक है, टाइम एक्सिस के अलोंग इन बिटवीन, मीन्स कार जब स्टॉप हुई और स्पीड अप हुई उसके बीच में कार की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के लिए स्ट्रेट लाइन होता है ग्राफ आपका, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला। तो और उसके बाद में क्या हुआ, स्टॉप हो गई, तो फिर ग्राफ आपका इस तरह से मिलेगा, ठीक है, टाइम से पैरेलल, टाइम के पैरेलल, क्लियर है। तो इस तरह से आपके पोजीशन टाइम ग्राफ के थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को शो कर सकते हैं, ओके। और ग्राफ से आपको ये पता चलेगा कि वो ऑब्जेक्ट किस वे में मोशन कर रहा है, ठीक है, वे में मोशन कर रहा है या फिर वो रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशंस जो है, एस्पेक्ट्स दिए जाते हैं ग्राफ के थ्रू, ठीक है, ओके। आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में चीजें सीखेंगे, ओके। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू सो मच।